ओके फ्रेंड्स, तो आज हम मैंने जितने भी स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं अब तक उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बाय ऑन डिप स्टॉक्स हैं, सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप थोड़ा सोच समझ कर निवेश करें। सो ये एक एक्सेल शीट मैंने बनाया था जो आपको डिटेल्स देगा कि कितना रिटर्न अब तक मिला है। तो ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं जैसे जलमा और थायरो के डॉक्टर पैथ लैब्स मेट्रोपोलिस स्टीव से। तो ये अगर आप देखते हो तो काफ़ी स्क्रिप्ट्स ने 50% तक का रिटर्न दिया, वो भी 14 दिनों में। काफ़ी स्क्रिप्ट्स ने 37% का रिटर्न दिया 5 दिनों में। काफ़ी स्क्रिप्ट्स ने 20% तक का रिटर्न दिया 6 दिनों में। काफ़ी स्क्रिप्ट्स ने 14%, 12%, 12%, 10% दिया 14 दिनों में 10 दिनों में। सो ये एक परफॉर्मेंस था, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। नॉर्मली आपको 50% रिटर्न्स, 50% रिटर्न्स 14 दिनों में या 5-6 दिनों में नहीं मिलते हैं, ये कभी कभी होता है। और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में हुआ करके आप डोंट टेक इट एज ग्रांटेड, बट ट्राई ऑलवेज करना चाहिए कि आप बेहतर करें। सो स्क्रिप्ट्स का रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। अगर आप नेगेटिव रिटर्न साइड में जाएंगे तो एयरटेल ने और आइडिया ने हमें डिसअपॉइंट किया है। जिले के बाद हमने रिकमेंड नहीं किया, सिर्फ एयरटेल और आइडिया की वजह से -10% रिटर्न और -17% रिटर्न है 14 दिनों में। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखें तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस, और होप यही परफॉर्मेंस हम रिपीट कर सकें। तो ये एक चार्ट दिया है जिसमें आपको ग्राफ दिया है जिसमें आपको ओवरऑल स्क्रिप्ट्स के बारे में पता चले रिटर्न्स एज वेल एज। तो 48% का रिटर्न है और -17% का रिटर्न है। तो टोटल हमारे चार स्क्रिप्ट रिटर्न नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव में काफ़ी सारे स्क्रिप्ट हैं। होप ये परफॉर्मेंस वो रिटर्न रिपीट कर सके, और ऐसा परफॉर्मेंस कभी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बार बार होगा, बट हम लोग इससे भी बेहतर करने को ट्राई कर सकते हैं और करेंगे एज वेल। तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स जितने भी हैं वो बाय ऑन डिप्स हैं, और एक स्क्रिप्ट का एलोकेशन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो से। स्मॉल कैप्स रिस्की है बट बाय कर सकते हैं विद अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉसेस, और डोंट बाय एट वन गो। एक ही बार में पूरी आपकी इन्वेस्टमेंट की जो पैसा है वो मत डालिए, आप वेट कीजिए टिप्स का और फिर थोड़ा थोड़ा करके डालिए। सो आपको हेल्प करेगा जब भी मार्केट नीचे जाता है तब। ये डिस्क्लोजर है, डिस्क्लेमर है जो मैं आपके वीडियो के बाद डालता हूँ कि हर एक आदमी को अपना निवेश सोच समझकर और इंडिपेंडेंट रिसर्च करने के बाद ही करना चाहिए, और मैं ये मेरे ओपिनियंस देता हूँ विद नो गारंटी ऑफ गेंस और लॉसेस कोई भी इन्वेस्टमेंट पे। पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी गारंटीड एंड वाइस वर्सा। मेरा हिंदी थोड़ा यानी ठीक है बट इतना अच्छा नहीं है, आई ट्राई टू इम्प्रूव करने को ट्राई करूंगा ऑन अ डे टू डे बेसिस। होप ये आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स।